नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। कंगना रनौत और करण जौहर की कोल्ड वॉर सबके सामने है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये जंग और खुलकर सामने आई। अब कंगना रनौत सरकार से करण जौहर को दिया गया पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग कर रही है। हाल ही में कंगना की टीम ने इससे जुड़ा एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में करण जौहर पर डराने और सुशांत सिंह राजपूत का करियर खराब करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही में ये भी कहा है कि करण जौहर एंटी नेशनल फिल्में बनाते हैं। आप ट्वीट देखिए, उसमें लिखा है, मैं सरकार से अपील करती हूं कि करण जौहर का पद्मश्री उनसे वापस लिया जाए। उन्होंने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुझसे इंडस्ट्री छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने सुशांत का करियर खराब करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने उरी अटैक के सामने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और अब एंटी नेशनल फिल्म बनाई है। कंगना ने करण जौहर पर एंटी नेशनल होने का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि फिल्म ए दिल है मुश्किल में उन्होंने फवाद खान को कास्ट किया था। वहीं अब करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस फिल्म में कुछ बातें इंडियन एयरफोर्स की नेगेटिव छवि दिखा रही है। 2017 में लंदन में एक इवेंट में करण जौहर ने कंगना को लेकर कुछ बातें कही थी। करण जौहर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मंच पर ये कहा था कि कंगना रनौत को अगर इंडस्ट्री से इतनी समस्या है तो वो इंडस्ट्री छोड़कर जा सकती हैं। इसी बात का जिक्र कंगना ने अपने इस ट्वीट में किया है। अब दिलचस्प बात इसमें ये है कि करण जौहर को जब पद्मश्री मिला था तो कंगना का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। कंगना रनौत खुद कह रही थी कि करण ये पद्मश्री डिजर्व करते हैं। कंगना ने ये कहा था, पद्मश्री के लिए मैं दिल से करण जौहर को बधाई देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो पद्मश्री को डिजर्व करते हैं। एक प्रोड्यूसर होने के नाते उन्होंने जो फिल्में बनाई जैसे केसरी या गुड न्यूज़, वो तारीफ के काबिल है। भले ही उनके पिता ने उन्हें स्टार्ट दिया, मगर अपनी मेहनत से करण इस मकाम पर पहुंचे हैं। अब ये है वो सारा मामला जो हमने आपको बताना था। अब आप डिसाइड करें, इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और सिनेमा जगत की और खबरों के लिए आप हमारे साथ रहें। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।